देखिए संदेश खाली मामले की बात कर रहे हैं। संदेश खाली के हवान शाहजा शेख को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। शाहजा को बशीरहाट कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है और कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद शाहजा को गिरफ्तार करने पर बंगाल पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे एक डील बता दिया। रिपोर्ट देखिए। संदेश खाली फाइल्स का मेन किरदार 55 दिन बाद गिरफ्तार। शाहजहां गिरफ्तार, शेखी पर कब प्रहार। पुलिस की पकड़ में भी कम नहीं हुई अकड़। शेख शाहजहां 10 दिन के पुलिस रिमांड पर। संदेश खाली के शेख पर सुलगती सियासत। ममता बनर्जी की पुलिस जिस शाहजहां शेख को खोज ही नहीं पा रही थी, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आई पुलिस, शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बशीरहाट कोर्ट में जब उसे पेश किया गया तो किस तरह से तैश में था ये दरिंदा, विक्ट्री साइन दिखाते हुए कैसे आगे बढ़ा ये देखिए। शाहजहां शेख की कोर्ट में पेशी की तस्वीरें देखिए और खुद तय करिए कि जिस आरोपी के खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उसे पुलिस किस तरह वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए कोर्ट लेकर गई। कोर्ट ने शाहजहां को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। ये नजर 9 का एक केस था जो 5/1/2024 में हुआ था और नजर 8 दोनों केस में, एक केस में पीसी मांग रहा था, पुलिस ने 14 दिन का पीसी मांग रहा था, 10 दिन अलाउ हुआ, ठीक है। और एक केस में सोना अरेस्ट किया है, नजर 8/2024 इस केस में सोना अरेस्ट हुआ है और उस केस में 14 डेज का पीसी मांगा था, उसमें 10 डेज अलाउ हुआ है, लाइनेट को 10 डेज के लिए पीसी अलाउ किया है। पुलिस इच्छाकृत भावे शेख शाहजहां के गिरफ्तार करछे ना, आमी बोलते चाहिए स्पष्ट करे, एटा ठीक नय, एटा भूल, एटा अपप्रचार। आमादेर आईनी बाध्यबाधकता छिलो जेटा स्पष्ट करे दिएछे। दिन दुएक आगे जखन माननीय उच्च अदालतेर तरफे स्पष्ट करे बोले देया हय जे गिरफ्तारीर उपरे कोनो धरनेर विधि निषेध नेई, तारपर आमरा जोर कदमे तल्लाशी शुरू करी এবং গত রাতে মিনাখা থানার বামনপুকুর অঞ্চল থেকে শেখ শাহজাহানকে আমরা গ্রেফতার করেছি। গ্রেফতার করার পর তাকে বশিরহাট কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে আদালতে পেশ করা হবে এবং তাকে পুলিশি হেফাজতে নেয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। মহিলাও সে যৌন উৎপীড়ন কা আরোপী শাহজাহান, জমিন কবজানে কা আরোপী শাহজাহান, ইডি টিম পর হামলে কা আরোপী শাহজাহান, রাশন ঘোটালে কা আরোপী শাহজাহান, जिससे ममता बनर्जी की पुलिस को गिरफ्तार करने में हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार और 55 दिनों का वक्त लग गया। यही वजह है कि बीजेपी हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा, शाहजहां ने पुलिस से डील कर ली है, उसे 5-स्टार सुविधाएं मिलेंगी। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि भाजपा ने दबाव डाला तब जाकर ममता सरकार ने गिरफ्तारी की। अरे भाई अरेस्ट नहीं है, आप लोग भ्रम पैदा कर रहा है। ए उनका कास्टोड संरक्षण में था, कल पिछले नाइट 12 बजे, डे बिफोर यस्टरडे नाइट 12 बजे मिडनाइट से उन्होंने पुलिस का साथ था। उसको पहले डीआईजी भास्कर मुखर्जी का साथ फलता भेजा गया, उसका बाद मेरा एक सैंडल में सब आ गया, उसका बाद फिर शाम को बाद उनको लाकर उनको अकुंजीपाड़ा घर में लेकर गया, उसका बाद मीनाखा लेकर अरेस्ट सुन किया। इट्स ए अंडरस्टैंडिंग एश्योर्ड बाई दी ममता सरकार कि आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको 5-स्टार फैसिलिटी मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करने का परमिशन है, जितना टाइम तक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पास ये छोटा दाऊद नहीं जा रहा है, जितना टाइम तक जस्टिस मिलने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। क्या है संदेश खाली केस? बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के सब डिवीजन बशीरहाट में दो ब्लॉक्स हैं,
संदेश खाली वन टू। संदेश खाली टू कालिंदी नदी के इस पार है। संदेश खाली वन नदी की दूसरी तरफ है। ये ब्लॉक एक तरह का आइलैंड है। यहाँ पहुँचने के लिए नदी पार कर नाव से जाना पड़ता है। शाहजहां शेख संदेश खाली टू ब्लॉक में रहता था। संदेश खाली वन ब्लॉक में उसके गुंडे रहते थे, उत्तम सरदार, शिवू हाजरा। ये दोनों शाहजहां का कारोबार देखते थे। ये दोनों संदेश खाली एक के लोगों के ऊपर अत्याचार करते, महिलाओं के साथ यौन शोषण करने का आरोप इन पर है। शाहजहां शेख के पास लड़कियों को जबरदस्ती भेजने का आरोप भी लगा। वहीं साथ ही शाहजहां शेख पर जमीन कब्जाने को लेकर भी कई आरोप लगे। शाहजहां शेख के मामले को लेकर ममता बनर्जी की सरकार लगातार सवालों के कटघरे में है। पहले सरकार पर शेख को शह देने के आरोप लगे, फिर शाहजहां को बचाने का आरोप लगा, और अब आरोप लग रहा है वीआईपी ट्रीटमेंट देने का। आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये तो देखना ही होगा। लेकिन संदेश खाली पर सुलगती सियासत आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।